बलूचिस्तान बना शीन का कब्रिस्तान। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लग रहा था चीन की फौजी ताकत को देखकर बलूचिस्तानी खौफ में आ जाएंगे और बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान की शह पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन जिनपिंग की यह खौफनाक साजिश बलूचिस्तान में तबाह होनी शुरू हो चुकी है। चीन को मार रही है मजीद ब्रिगेड। बलूच आर्मी और उनके लड़ाके पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान में मौजूद चीन नागरिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। अब तक बलूच आर्मी 23 से ज्यादा चीनी नागरिकों को जान से मार चुकी है और पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं कर पाई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पहली बार मिली है ऐसी खुली धमकी, जिसमें स्पष्ट तौर पर उनसे कहा गया है कि बलूचिस्तान से वो अपना सारा साजो सामान इकट्ठा करके वहां से चले जाएं, वरना उन पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही इस धमकी में यह भी कहा गया है कि शी जिनपिंग, आपको इन हमलों से पाकिस्तान की फौज भी बचा नहीं पाएगी। ये धमकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने दी है और उसने बाकायदा कहा है कि उसने अपने हमले के लिए एक नए स्पेशल दस्ते का गठन भी किया है। ना चीन बचेगा ना पाकिस्तान, बलूच आर्मी की खूनी कसम। पाकिस्तान में रह रहे चीन के अधिकारियों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी कर धमकी दी है। धमकी में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में मौजूद चीन के अधिकारी और नागरिकों पर आत्मघाती हमले शुरू होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस वीडियो में कमांडर अंग्रेजी भाषा में साफ तौर पर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में चीनी अधिकारी, नागरिक और उनके ठिकानों पर हमले होंगे। A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. चीन को मार रही है मजीद ब्रिगेड। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी नागरिकों पर जबरदस्त हमले का आत्मघाती प्लान तैयार कर लिया है। दावों के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने चीनी नागरिकों पर हमले की तैयारी की है। आत्मघाती हमले के लिए एक अलग टीम तैयार की गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक कमांडर ने वीडियो जारी कर चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी जनरल को धमकी दी है। स्पष्ट तौर पर चीनी राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि वो बलूचिस्तान से अपने लोगों को तुरंत वापस बुला लें या फिर आत्मघाती हमले झेलने के लिए तैयार रहें। बलूच आर्मी के लड़ाके ने धमकी देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, साफ तौर पर सुन लो, तुम इसी समय बलूचिस्तान को छोड़ दो, खाली कर दो, वरना तुम बलूचिस्तान के बेटों और बेटियों का जौहर देखने के गवाह बनोगे, ऐसा जौहर जो तुम भुला नहीं पाओगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धमकी देते हुए कहा गया है। बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल असलम बलोच भी चीन के अधिकारी और नागरिकों को नहीं बचा पाएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मजीद ब्रिगेड के तहत एक नए आत्मघाती दस्ते का गठन इसलिए किया है क्योंकि वो चाहता है कि आने वाले नए साल में चीन के अधिकारियों, उसके नागरिकों और उसके ठिकानों पर लगातार कई बड़े हमले किए जाएं। साथ ही उसका मकसद चीन का साथ दे रही पाकिस्तानी सेना को भी अपना निशाना बनाने का है। हुआ यह है कि आने वाले साल में चीन बलूचिस्तान में अपनी कई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने जा रहा है और ऐसे में BLA नहीं चाहता कि चीन अपने पर पूरी तरह से बलूचिस्तान में फैला दे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह लड़ाका पाकिस्तानी जनरल को धमकी भी देता है कि जनरल असलम बलोच ये जान लें कि उनका यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मिशन लगातार जारी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शाखा मस्जिद ब्रिगेड ने एक नई आत्मघाती शाखा का गठन किया है जिसका मकसद बलूचिस्तान में केवल चीनी ठिकानों और चीनी नागरिक और अधिकारियों को निशाना बनाना है।
लेकिन इसके अलावा ये पाकिस्तानी सेना पर भी लगातार हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पिछले कई सालों से बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही है। पहले उनकी लड़ाई पाकिस्तानी फौज से थी, लेकिन जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चीन को वहां के संसाधन दोहने की अनुमति दे दी, तब से उसके निशाने पर चीन भी आ गया है। बलूचिस्तान बना चीन का कब्रिस्तान। अगस्त 2023 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी इंजीनियरों पर भीषण हमला किया था। इस हमले में 4 चीनी इंजीनियर, 9 पाकिस्तानी सैनिक और बीएलए के 2 लड़ाके मारे गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 27 लोग घायल भी हुए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड ने ली थी। खास बात यह है कि चीनी सिक्योरिटी का पूरा दारोमदार पाकिस्तान सरकार पर है। पिछले साल यानी साल 2022 में बीएलए के आत्मघाती हमले में चीनी इंजीनियरों को दासू डैम प्रोजेक्ट साइट पर ले जा रही बस को उड़ा दिया था। इसके बाद पिछले ही साल कराची यूनिवर्सिटी में चीन की महिला प्रोफेसरों की वैन पर बीएलए की महिला फेदाइन ने हमला किया था। इसमें 6 लोग मारे गए थे, इनमें से 5 चीनी थे। पेशावर और क्वेटा में चीनी अफसरों पर 4 हमले हुए, कुल 7 चीनी नागरिक मारे गए। 2020, 2018 और 2017 में भी चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अलग अलग हमलों में अब तक 23 चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. पाकिस्तानी सेना चीन के इंजीनियर और नागरिकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2014 में पाकिस्तान सरकार ने चीन के नागरिकों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई थी। इनमें 4,000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल शामिल हैं। ज्यादातर सिक्योरिटी अफसर फौज से ताल्लुक रखते हैं। ये यूनिट 7,567 चीनी नागरिकों को स्पेशल सिक्योरिटी मुहैया कराती है। अकेले बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की 70 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है। इसके अलावा 24 टेम्पररी कैंप भी हैं। इन सभी में चीन के वो अफसर और वर्कर रहते हैं जो सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में प्राकृतिक खनिज संपदा का अथाह भंडार है, जिसे पहले पाकिस्तान धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रहा था, लेकिन मानव संसाधनों और तकनीक की कमी के चलते वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस प्राकृतिक खनिज संपदा को देखते हुए चीन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को कर्ज देकर बलूचिस्तान में अपनी कई परियोजनाएं शुरू कराई थी, और इनके जरिए वो धीरे धीरे इन प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में कर रहा था। बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते कि उनके प्राकृतिक संसाधन को विदेशी लोग दोहन कर लें और उनके अपने लोग भूखे नंगे रह जाएं। यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब चीन को खुली धमकी देकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान किया है। चीन की दिक्कत इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने बीएलए से हाथ मिला लिया है। अब चीनियों पर खतरा कई गुना बढ़ गया है। इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, और पाकिस्तान से अलग होने के लिए बलूचियों ने सड़क से लेकर सरहद तक कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। जरा बलूचिस्तान का यह नजारा देखिए, जहां पाकिस्तान से अलग होने को लेकर भयानक संघर्ष शुरू हो गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूटने के लिए पूरी तरह से मचल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन चीनी नागरिकों और उनके कारोबार या कंपनियों को तबाह करने पर उतारू हैं। इसकी वजह यह है कि बीते 5 सालों में यहां चीन अधिकारियों और नागरिकों की ताकत और रसूख बहुत तेजी से बढ़ा है। कई जगह पर तो वो बलूची लोगों से ज्यादा ताकतवर है। यही वजह है कि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ना सिर्फ चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं, बल्कि अब शी जिनपिंग को सीधी धमकी देनी भी शुरू कर दी है।